बिटवीन टू टेक्स्ट की सेंटर सेटिंग किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आज की इस क्लास में बताऊंगा। न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे ब्लैंक, और यहाँ पर जैसे हमने नेम टाइप करा, अब इसकी एक खास सेंटर सेटिंग हम चाह रहे हैं कि कॉलन हम ऐड करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट नाम हम एक सीक्वेंस में रखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब पैराग्राफ के अंदर टैब स्टॉप पोजीशन में जाएंगे, और यहाँ पर ये 3 पे मैं सेट कर लेता हूँ, ये 2.5, और 2.5 पे मैंने सेट करा इसको, ओके करा। अब इसका ये होगा जब हम नेम लिख के एंटर करेंगे टैब, और फिर टैब करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास एक खास डिस्टेंस में जो होगा वो मूव हो जाएगा। तो फिर हम अपना दूसरा टैब भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं, जैसे एक टैब में हमारे पास ये आ रहा है 2.5 पे, फिर उसके बाद हमें उसको चाहिए 4 पे। अगेन इसी सेटिंग ऑप्शन में जाके टैब टैब में जाके जहाँ 2.5 पे हमने ऐड करा है इसको, फिर 4 करेंगे, 4 पे जाके इसको फिर सेट करेंगे और ओके करेंगे। अब नेक्स्ट जब हम टैब करेंगे यहाँ से, तो ये जाएगा हमारा 4 पर। तो जितना डिस्टेंस आपको रखना है उस हिसाब से आप अपना टैग सेट कर सकते हैं डिस्टेंस, और अपनी टाइपिंग का काम कर सकते हैं इजी तरीके से। अब इंटर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। फिर यहाँ पर फिर इंटर, सॉरी टैब, फिर कॉलन और फिर इंटर, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इंटर, फिर नेक्स्ट, इस तरह के जो भी ऑप्शन एक सीक्वेंस में रख रहे हैं बिटवीन टू टेक्स्ट सेटिंग, वो आप इस तरह से फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। कंटिन्यू जितना काम होगा वो आप टैब के साथ ऐड करते रहेंगे। तो ये एक आसान तरीका है, और इसके बाद अगर आपको क्लियर करना है, कंप्लीट कर लेना, तो टैब में जाएंगे दोबारा से टैब, और यहाँ पे क्लियर ऑल, ओके। तो अब आपका नॉर्मल कर्सर टैब मूव करेगा इस तरह से। नेक्स्ट एक और तरीका है इसको यूज करने का, ये भी कर सकते हैं आप सीक्वेंस में रखने के लिए, टेबल ऑप्शन में 3 कॉलम ऐड कर लें और जितनी रो चाहिए वो। इसके बाद ये वाला जो सेपरेट आ रहा है सेंट बिटवीन, इसको हम इस तरह रखेंगे, और फिर जो हमें एंट्रीज करनी है यहाँ पे, ये देखें डायरेक्ट टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में आएगा, फिर टैप करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसमें भी टेबल को यूज करते हुए अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिटेल ऐड कर सकते हैं। कॉलन, और इसी तरह से फिर जो भी फील्ड्स वगैरह है यहाँ कॉलन आ जाएगा, फिर टैब, इस तरह से फिर आप फिर एंटर करेंगे ईमेल, ठीक है। अब जब ये हम काम कर लेंगे तो उसको अलाइन सेंटर रखना है, इसको सिलेक्ट करेंगे टेबल लेआउट में जाके यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब हम प्रीव्यू में आ जाएंगे इसको हम टेबल डिजाइन में बॉर्डर नो करेंगे, और फिर जब हम टेबल फाइल प्रिंट करेंगे तो ये हमारा टेबल में होगा लेकिन टेबल हाइड कर देंगे हम इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप सेंटर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं जिस तरह से एज इट इज वैसे ही हमें रखना है जैसे हमने फर्स्ट टाइपिंग करी थी, तो फिर आप इसको शो कर रहे हैं दोबारा से ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ से ये जो टेक्स्ट हमने टाइप करा है इसको कॉलम्स को अनसेलेक्ट करके पूरा आगे ले जाए। तो ये भी एक तरीका है, और फिर इसके साथ ही ठीक है जी ये आ गया, और टेबल को मैंने बताया कि नो बॉर्डर। तो ये भी सेम उसी तरह से जो टेब सेटिंग से टाइपिंग का काम किया था, उसी तरह से आप टेबल को यूज करते हुए भी ये सेटिंग से कर सकते हैं।
और इसमें प्लस पॉइंट आपका एक काम और भी हो सकता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे इसको फाइनल करा है, ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक और काम ये हो सकता है, जब टेबल में हमने इसको यूज किया होगा तो हम इसको सिलेक्ट करके बुलेट नंबरिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें भी, और यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से इसमें भी, ठीक है जी। बाकी इसका जो नंबरिंग बुलेट वगैरह का मैंने बताया, ये करने के बाद वही टेबल में जाकर नौ, तो आपका ये सीक्वेंस ऑप्शन इस तरह से भी रख सकते हैं आप। टू साइड पे सेंटर, तो बिटवीन टू टेक्स्ट सेंटर लाइन बिल्कुल ओके हो गया, और इसके अलावा ये ऑप्शन भी हम बुलेट वगैरह का इजीली इसमें टेबल के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो सेंटर टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने सारे ऑप्शन आपके साथ शेयर किए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।